सिंह का नमस्कार। आज हम हैं विद्या का वास में अमनपुरी आश्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं 108 महाराज श्री अमनपुरी जी महाराज। महाराज से हम आज बात करेंगे। महाराज का मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही माँ पीतम्बरा का एक महान अनुष्ठान करने जा रहे हैं महाराज। और इससे पहले भी महाराज ने कई तपस्याएं की है और अपने भक्तजनों के कल्याण के लिए काफ़ी कठोर तपस्याएं महाराज ने की है, तो आप हम महाराज से बात करेंगे। महाराज, आपका क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में आप अपने भक्तजनों को और ग्रामीण ग्रामवासियों को पूरी जानकारी दें। देखो, सबसे पहली बात तो आपको धन्यवाद है इसको मेरी ले रहे हैं यहाँ के कार्यक्रम, तो आपको सबसे बड़े तो धन्यवाद ही है। सबसे बड़ी ऊपर मेरी गुरु कृपा है, ये राम जी की कृपा है। मैंने इससे पहले तपस्या बहुत की है, मानसिंह गंगाम की है, बर्फ अंदर सावन के महीने में स्वभाव मैंने तपस्या की है, बना अन्न पानी और पोष का महीना में भी किया है मैंने नौतन अखंड तपस्या, और पोष का महीना में भी किया है और मेरी तपस्या बहुत ज़्यादा की है मैंने, और अखाड़े के अंदर तो तपस्या ही करता हूँ। शिव में कुछ जानता नहीं हूँ, नाटक चुकी जानता नहीं हूँ, शिव और गुरु महाराज के भरोसे राम जी के भरोसे हूँ, और राम जी सबका जीव दुखों का कल्याण करे और ये गांव को धन्य धन्य हो जाए, और धन्य धन्य हो गांव रे तभी श्री भूमि है। मीना में बहुत संत हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जैसे भगवान श्री के भी वहाँ के पास में रहते थे, और आज भी भगवान श्री के हैं, तो ऐसे संत आप क्यों नहीं बन सकते, और बनने के लिए सब कोई बनना चाहिए। ये थारी मारी तो इस दुनिया में बहुत होती है, लेकिन शुद्ध कार्य और शुद्ध अच्छा काम करे, अच्छी बात करे, अच्छा तरीका करे और शुद्ध चले तो सबका भला हो जाएंगे। इसमें लिखा है, शास्त्र वेद भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं कि करो दूसरे का बुरा तो खुद का बुरा, करो दूसरे का भला तो खुद का ही भला। इसी से सब मेरे तो ये है कि जीव इस इंद्र में आवे तो लाखों वर्ष की भी बीमारी हुए वह कट करी दूसू खाक हो जाए। जाड़ा जंत्र या कोई मंत्र है, कोई चेह नहीं, और भगवान की कृपा ऐसी है कि शैम्पू शैम यहाँ दीदा का पास में भगवान की कृपा है, और भगवान है, दिगर भगवान में नहीं चल सकता, साफ एक पाउंड भी नहीं चल सकता। ये बंदा के कोई तांतिक डोरो मुंदड़ी कोई लेना देना नहीं चे, और पूरा भारत के अंदर घूमते हैं, लेकिन कोई माई को ला लिया बता दे कि कोई जो झाड़ू भी दियो जे कोई के या 10 रुपया मांग भी लिया जे तो कोई आदमी साबुत कर दे, और मैं गांव के लिए साहब मारा जीवन को राम कर दियो, पिघला पिघला पानी कर दियो मी तो सबको दुखों को दूर के। तो आपका क्या 15 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? 15 तारीख का ये कार्यक्रम है साहब, ये सूर्य और माल्यम पुत्र संगाती जी आ रही हैं, तो मैं इसे भवन करने जा रहा हूँ, इसी तपस्या करने जा रहा हूँ कि दर्शन करे और वहाँ से धूल की चूटी उठावे उसका जीव कल्याण। हमारे साथ और भी मौजूद हैं भक्तजन, हम आपसे बात करना चाहेंगे। महाराज का क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी। महाराज के वो एक ही है भाई, संसार के मान्यता के लोग हैं जगह की दुख पीड़ा दूर होवे, और अको भाव एक राम को भाव गुरु महाराज जी यहाँ पर कृपा है और भक्त लोगों पर सबकी कृपा है, क्योंकि आज का 15 साल में देखो भक्त लोगों की सेवा बेमान लाइव जुड़ा रहे हैं और खूब तप करे हैं, भक्तों के लिए भजन करे हैं और आयोडो अटे निर्फल वैर कौन जा विजय भरे जाते। तो हम उनसे बात करने के लिए आपका बहुत